लापरवाही की वजह से 3 मौतों की जानकारी है और ये गंभीर लापरवाही है कि सारे इंतजाम है, पूरा बजट है और ये फिर भी मौत हो गई, बिजली को उनका इंतजाम नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में। कल लगभग 5:58 पर लाइट गुल हुई। इंतजाम पूरे हैं, यदि लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है, जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बजट अलॉटेड है, डीजल और बाकी जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी हैं उनका पूरा इंतज़ाम था, मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतज़ाम किए गए थे, ये निर्देशित किया गया था। 5:58 पर लाइट गई, जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से PWD के E&M के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिंटेंडेंट को नोटिस दिया गया है, वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था उस पर भी कार्रवाई और उसको भी नोटिस दिया गया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, मामले में कहीं भी यदि लापरवाही हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जहां तक मृत्यु की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अस्पताल प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस पूरी घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसा मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मृत्यु, परंतु तीनों मृत्यु जो है उनके बैकअप में जो वेंटिलेटर था उसका बैकअप था, क्योंकि 3-tier सिस्टम है। पहला सिस्टम है MPV के माध्यम से लाइट अस्पताल में वार्डों में पहुंचती है, यदि उसमें कोई खराबी होती है तो जनरेटर की व्यवस्था है जो बैकअप देता है बिजली का, और यदि वो भी खराब हो जाता है तो जो मशीन है जिस पर इलाज हो रहा है उसका स्वयं का भी बैकअप होता है और जिन पेशेंट्स को वेंट